आपके पास में पहुंचा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में दहशत की अलामत बन चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको 30,000 रुपए कर्जा देती हैं, बोलती हैं जी हम 180 डेज बाद आपसे इसका रिटर्न लेना शुरू करेंगे और ये सिर्फ 30,000 आपको 45,000 वापस करना है, लेकिन 30,000 के बदले वो 2.5 लाख, 4 लाख और 10 लाख रुपए ले रहे हैं, और अगर आप वो पैसा नहीं देते, आपकी बहन बेटी की तस्वीरें जो आपके मोबाइल के एक्सेस वो पहले ही ले चुके हैं, उनको काट के पॉर्न वेबसाइट्स पे लगाने की धमकियां और मुख्तलिफ तस्वीरें बना के आपको भेजना, आपके रिश्तेदारों को फोन करना। और सर जो खुदकुशी हुई इस्लामाबाद में, अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, सर ये जो खुदकुशी कर ली एक शख्स ने 22,000 के लिए, जो लोग आ रहे हैं 16,000 रुपए लिए थे कर्जा, अब उनसे 6 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, क्या किया आपने ऑर्डिनेंस पास, लोगों को बता दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो मैं अपने तमाम ही सुनने वालों को, जो कि अभी सारी बातें मेरे इल्म में आ रही हैं, बेल ऑफ होप गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगी है, ऐसे तमाम ब्लैकमेलरों से परेशान होने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, टेलीफोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है और आपको धमकियां दे रहा है, आप सीधे गवर्नर हाउस आ जाएं, इंशाल्लाह ताला उससे ऐसे निपटेंगे कि ना वो आपसे कभी दोबारा ब्लैकमेल करेगा और ना ही पैसों की डिमांड करेगा। उसके साथ साथ अभी कल ही मैंने कानून पास कर दिया है, और ये जो हमारा कुरान शरीफ कहता है, हमें बताता है कि सूद लेना हराम है, और जिस तरह से सूद लिए जा रहे हैं, जिस तरह 25,000-35,000 दे के 2.5 लाख मांगे जा रहा है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कानून पास मैं कर चुका हूं, अब कोई किसी से इस किस्म के कर्जों के एवज सूद नहीं मांग सकेगा, ना उसको ब्लैकमेल कर सकेगा, ये ऑलरेडी कानून पास हो चुका है। इसका मतलब सर ये कि मैंने अगर 1 लाख रुपए कर्जा लिया तो मैं 1 लाख दे चुका हूँ, अब मुझसे कोई उसके ऊपर पैसे नहीं देने। अच्छा, अगर बिलफर अब लोगों के साथ क्या हुआ पाकिस्तान में वो सुने, 1 लाख रुपए माँ के इलाज के लिए लिया है, बच्चे की फीस के लिए लिया, उस 1 लाख के ऊपर जो 8 लाख रुपए मुझसे ले लिए ब्लैकमेल करके, वो पैसा कौन वापस दिलवाएगा? जिसने ज्यादती की है वो हमारे पास केस लाए, उसे भी वापस दिलवाएंगे, उसी से वापस दिलवाएंगे, लेकिन ये कानून बन चुका है, आप इसको जहन में रखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब कोई शख्स किसी से सूद नहीं ले सकता, सिर्फ उसके जो पैसे हैं सिर्फ वो वापस लेगा। देख लें भाई, मैं आप सबको बता दूं, देखने वालों को, गवर्नर साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो लोग मुझे प्रेशर दे रहे हैं कि हमारे पास खुदकुशी के अलावा रास्ता नहीं है, हम फंस गए इस कर्जों में ऑनलाइन एप्लीकेशन के, आपको अब उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल पेमेंट थी आप दे चुके ना, वो तो आपको 90 दिन का बोलते हैं और 1 हफ्ते बाद आपके घर आ जाते हैं, लाओ पैसे अभी वापस करो, तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, तुम्हारी तस्वीरें चला देंगे। अगर आपने उनसे 15,000 रुपए लिया था कर्ज और 15,000 दे चुके हैं, तो अब मजीद देने की जरूरत नहीं है। स्टेट का, रियासत का बाप यानी गवर्नर सिंध आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई देने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनेंस पास हो गया है, खत्म, अब आपको कोई फोन करके धमकी दे, ये घंटी लगी हुई है गवर्नर हाउस के बाहर, वहां पहुंचाना, मेरे पास ले आना, मैं मिलवा दूंगा आपको गवर्नर साहब से। कानून पास हो गया, इसका मतलब ये कानून लागू हो गया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, बहुत बड़ी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, और पेजेस वाले इस खबर को आम करें, जितने बड़े पेजेस हैं, छोटे पेजेस हैं, यूट्यूबर्स हैं, इस वीडियो को लगाओ भाई, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे। लोग पागल हो गए, लोग अपने रक्षे बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, अपने घर का सामान बेच रहे हैं। कल तो एक ऐसी फैमिली आई सर, उसने अपनी बच्ची की कान की सोने की बालियां 3,000 रुपए की बेच के उन एप्लीकेशन वालों को पैसे दिए। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, अब किसी को अपनी कोई चीज बेचने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, अब फिक्र क्यों करते हैं, चले आए इस गवर्नर हाउस के बाहर आके बेल बजाएं, आपका अपना गवर्नर मौजूद है उनसे निपटने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए।